को जोरदार तालियों से स्वागत। भाई काशी यादव जी, इस सभा के अध्यक्षता कर रहे और इस सभा का संयोजन जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, हमारे बड़े भाई रमेश जी और तमाम इस कार्यक्रम में शरीक हुए हमारे समाज के बड़े सम्मानित आप सभी छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मैं अपनी ओर से अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा की ओर से मैं आप सभी का आभारी हूं। आप लोगों ने जो इज्जत और सम्मान पिछले कार्यक्रम में दिया था, हम उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया करते हैं। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव जी, महासचिव बाबू जी, बड़े भाई उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रवीण यादव जी, जेडी जी, डॉक्टर साहब मंच का संचालन कर रहे हमारे साथियों, जब हम पिछली बार आए थे तो हमने अपने समाज के लिए एकता की बात की थी। हमने ये कहा था कि अब की बार जो संख्या है वो ठीक है, 40-50 की थी। हमने आपसे अपेक्षा की थी कि इस गली में, इस क्षेत्र में हमारे समाज के लगभग 500-600 घर हैं। हमें जो पता था, हमने कहा था कि अगली बार उनको इकट्ठा करना, हम आपके बीच में जरूर आएंगे। साथियों, मुझे आज लगा कि रमेश भाई ने और इस कार्यक्रम के आयोजकों ने आप लोगों तक बात पहुंचाई, अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए जो उन्होंने मेहनत की, अब मुझे लग रहा है कि रंग ला रही है बात। साथियों, जब दिल्ली और फरीदाबाद, हरियाणा के शहरों में जब इनकी गलियों में हम गुजरते हैं, तमाम भाई एक गली से दूसरी गली में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई नहीं जानता कि यादव है, हमारे समाज से हमारे बिरादरी है। साथियों, जब उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो उनके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं होता, हम एकजुट नहीं होते। तमाम समाज के लोग, गैर समाज के लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, तमाम तरह तरह की आपदाएं हम देखते हैं, साथियों अपने आप चुप हो जाते हैं। अही रेजिमेंट का मुद्दा साथियों किसी एक व्यक्ति का नहीं है, अहीर समाज का है, और अहीर समाज केवल भारत में ही नहीं, नेपाल में, देश के तमाम कोने, विश्व के तमाम कोने कोने में बसा हुआ है। साथियों, ये आवाज हरियाणा से निकली है, उत्तर प्रदेश से निकली है, गुड़गांव से निकली है, लेकिन इस आवाज को हमें देश के, विश्व के कोने कोने में बैठे हुए प्रत्येक यादव भाई तक पहुंचानी है। साथियों, जो अहीर रेजिमेंट का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये किसी समाज के व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, प्रवीण यादव जी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, लेकिन हम पिछले लगभग आठ सालों से इस मुद्दे को लेकर के देश के तमाम कोने कोने में जा रहे हैं। कुछ लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला कि यही रेजिमेंट क्या है और उससे हमारे समाज को क्या फायदा है। जब हम एकजुटता की बात करते हैं, उस एकजुटता के लिए तो सभी समझते हैं, लेकिन जब यही रेजिमेंट की बात करते हैं तो तमाम लोग थोड़े से असहज महसूस करते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि यही रेजिमेंट क्या है। इस बात को, रेजिमेंट के बारे में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर साहब अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी प्रवीण यादव जी, बाबू जी, डॉक्टर साहब
ये सारे लोग अपना घर बार छोड़ करके, सारे काम अपने छोड़ करके, आप कहीं भी 10 आदमी इकट्ठा हो लो, 10 आदमी इकट्ठे करने के हमारे समाज की बात करें, आप उन्हें वहां पर पाएंगे जब भी आप जहां भी बुलाएंगे। हम अपेक्षा आपसे करेंगे जरूर कि समाज में करीब 2-3 महीने पहले शायद मीटिंग हुई थी या 6 महीने होगा, 6 महीने के अंदर आपने दोबारा मीटिंग करी है, इसमें 300-400 के आसपास लोग आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब अगली मीटिंग करेंगे और आप कम से कम 1000 आदमी यहां पर जुटेंगे। इसलिए मैं भाई रमेश जी से और आप सब आए हुए आगंतुक गणों से ये निवेदन करता हूं कि आज ये तय कर लेना कि अगली मीटिंग कब होगी, और प्रत्येक भाई जो भी आए हैं अपने समाज से, अपने गली के बंदों को, जो भी हमारे यादव बिरादरी भाई, उनको ढूंढ ढूंढ करके इकट्ठा करना और बोलना कि आज एकजुट हो जाओ। हमारे समाज के ऊपर तमाम तरीके के अत्याचार हुए हैं और उन अत्याचारों का हम अब सहन नहीं करेंगे, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, हमें अपने समाज के खिलाफ हो रहे जो अत्याचार हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर का अत्याचार हो, चाहे राजनीतिक स्तर का अत्याचार हो, उनको हमें बर्दाश्त नहीं करना है, उनके खिलाफ हमें संघर्ष करना है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, देश के तमाम कोने कोने में जो हमारी वर्तमान सरकार है, उन्होंने हमारे समाज के लोगों को दबाने का काम किया है, और हमारी जो लड़ाई है उन समानतावादी ताकतों से जिन्होंने हमारे समाज को 5000 सालों से कहीं पर उन्हें पढ़ने में रोका, स्कूल जाने नहीं दिया, शिक्षा से वंचित किया, अंधविश्वास के दंडल में धकेल दिया, उसके बावजूद भी हमारा समाज आज बहुत तरक्की कर रहा है। साथियों, मुझे बड़ी खुशी है, फरीदाबाद हरियाणा में हमारे तमाम भाई ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं। आज जो समाज पर अत्याचार हुआ है उसका बदला, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे तमाम भाई मिलकर के कर रहे हैं। साथियों, हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं कि उस सामाजिक लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोग भी हमारा सहयोग करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रवीण यादव जी, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के तमाम हमारे संगठन के सदस्य, उसके पदाधिकारी गण देश के तमाम कोने कोने में अपना संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां भी भाई हमारा अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का हो, यादव है, उसके खिलाफ अत्याचार हो, तो आप चुप नहीं बैठना। मेरी गुजारिश है कि उसके संघर्ष में उनका साथ देना, जहां भी जरूरत पड़ेगी आपको। हमारे तमाम ऐसे आए, तमाम महान पुरुष आए जिन्होंने हमारी जो सामाजिक लड़ाई थी उस सामाजिक लड़ाई को लड़ा और हमें एक ऐसा नाम दे दिया जो हमारी बिरादरी का नाम है, उसको पूरे देश के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी यदुवंशी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतनी मेहनत से इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, और मैं मंच पे सभी सम्माननीय जन जो अपना टाइम तन मन धन लगाकर इस रेजिमेंट के लिए एक शहर से दूसरे शहर घूम रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इस एक बात से सहमत नहीं हूँ कि मंच से किसी भी पार्टी का महिमा मंडन किया जाए या किसी भी नेता का महिमा मंडन किया जाए। हमारे समाज के नेताओं में भी बहुत गलती रही है जो आज ये रेजिमेंट नहीं बन पाया, केवल विरोधियों की वजह से नहीं है ऐसा। आज यादव समाज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और हर संगठन से जुड़ा हुआ है, हर पार्टी में यादव समाज के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन इन सभी नेताओं की गलती है, किसी एक नेता की गलती नहीं है, चाहे वो
मोदी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, कोई भी यादव नेता आज तक इस रेजिमेंट के लिए क्यों नहीं मुद्दा उठाया संसद में। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, केवल योगी और मोदी विरोधी रहे रेजिमेंट बनाने के लिए काफी नहीं है। हमारे इस समाज के जो पुराने नेता है उनकी भी पूरी गलती है इस रेजिमेंट के ना बनने में। आज हमारे यादव समाज के सारे पार्टियों में नेता है, लेकिन हमें किसी पार्टी की महिमा मंडन नहीं करना है, हमें केवल आई रेजिमेंट के लिए फोकस करना है। यदि हम इस रेजिमेंट के मुद्दे को लंबा चौड़ा करेंगे कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, तो ये आई रेजिमेंट का मुद्दा बिखर जाएगा और यादव कभी बिखरते हुए किसी भी काम को सफल नहीं बना सकते। तो मैं चाहूंगा ये केवल और केवल हमारे जो भी नेता है या नेतृत्व करने वाले हैं केवल और केवल रेजिमेंट की बात करें और किसी मुद्दे पर ना भटकाएं। यही गलती रही है कि आज तक हमारा यादव समाज इकट्ठा होकर इस रेजिमेंट को नहीं बनाया, क्योंकि हम किसी एक लक्ष्य को लेकर नहीं चले हैं। तो मैं ये अपने सभी भाई बंधुओं से कहना चाहूंगा कि मंच से किसी भी जाति विरोधी या किसी भी समाज विरोधी भाषण न दिया जाए और केवल अपने समाज के लिए बोले और आई रेजिमेंट के लिए बोले। आई रेजिमेंट के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई तैयार होंगे। इसमें हमारा कोई गलत नहीं है और कोई भी जातिवाद नहीं है। यदि कोई कहता है कि आई रेजिमेंट जातिवाद है, तो अभी तक जितने भी रेजिमेंट बने हैं उन सभी रेजिमेंटों को खत्म किया जाए। राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, ऐसे कई सारे तमाम रेजिमेंट है, तो क्या वो रेजिमेंट जाति और कौम के आधारित नहीं है? तो क्या यही रेजिमेंट याद और यही रेजिमेंट बने या ये सारे रेजिमेंट खत्म हो? हमारी एक ही मांग है, या तो यही रेजिमेंट बनने चाहिए या सारे जाति आधारित रेजिमेंट खत्म होने चाहिए। और हम कुछ भी जातिवाद नहीं कर रहे इसमें, हमारी कोई जातिवाद मांग नहीं है। हमें सभी समाज को लेकर चलना है और हमें सभी भारतीयों को लेकर चलना है। लेकिन जब आपकी बातों में विरोधाभास होगा तो हम उसका विरोध करेंगे और हम रेजिमेंट के लिए लड़ेंगे। या तो आप रेजिमेंट बनाओ या आप सारे रेजिमेंट को खत्म करो। किसी भी रेजिमेंट को रहने का अधिकार नहीं है। एक रेजिमेंट बनाओ या किसी प्रतीकों के नाम पर रेजिमेंट बनाओ, जैसे कि पृथ्वी रेजिमेंट, अग्नि रेजिमेंट, जल रेजिमेंट, जो भी रखना है किसी भी जाति के नाम पर बताओ या हमारे अरिणों का भी रेजिमेंट दो। मैं इसी बात को रखने के लिए यहाँ आया हूँ और बहुत से लोग कहते हैं कि ये जातिवादी मांगे, मैं उनके जवाब देने के लिए आया था। और मैं इस रेजिमेंट के लिए हमेशा संघर्ष में रहूंगा, चाहे जैसे भी हो। मैं कोई बहुत बड़ा नेता या बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जितनी क्षमता होगी उसके लिए मैं करूँगा। तो मेरी बस एक ही मांग है, या तो रेजिमेंट बने या सारे रेजिमेंट खत्म हो। और यदि रेजिमेंट की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि भाषा क्षेत्र अलग होता है, तो रेजिमेंट की जरूरत है हमारी सेना में, तो उसको किसी प्रतीकों के नाम पर रखा जाए या तो फिर आई रेजिमेंट का भी नाम दिया जाए। और यदि कंडीशन की बात होती है तो आई रेजिमेंट कंडीशन फुलफिल करते हैं जिसे और रेजिमेंट नहीं करते। तो हमारी रेजिमेंट भी बननी चाहिए या सारी रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए? हमारी केवल दो ही मांग है, या तो सारी रेजिमेंट खत्म हो जाए या तो आई रेजिमेंट भी बनाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय यदुवंश, जय हम हिंद है, हिंद देश के वासी है। मैं किसी भेदभाव को नहीं मानता, लेकिन इसमें भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। तो आई रेजिमेंट का मुद्दा हम जोर शोर से उठाएंगे और उठाते रहेंगे। और मैं सभी हमारे बड़े बड़े जो नेता है उनको भी कहना चाहता हूँ कि जातिवादी बात कभी भी ना करें। हमारे समाज में विद्रोह में आए केवल और केवल अपने लक्ष्य की बात करें। जो हमारा लक्ष्य है आई रेजिमेंट है। किसी भी नेता का महिमा मंडन न दिया जाए। सभी नेताओं की गलती रही है, एक नेता की गलती नहीं है, किसी पार्टी की गलती नहीं है। आई रेजिमेंट जो बनाएगा वही फल पाएगा। जय हिंद, जय यदुवंश। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय यदुवंश। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ने युवा जोश के साथ आई रेजिमेंट की बात अपनी कही।
जोरदार से तालियों से स्वागत साथियों। अभी हमारे और युवा ताकत से अरेंजमेंट बनेगी, सभी को मिलकर चलना होगा और 18 नवंबर को पूरी ताकत लगानी है देश के कोने कोने से। बिल्कुल, सभी को एकजुट रहना है। यदि जिसकी जैसी क्षमता है तन से मन से धन से उस तरह से सहयोग करें। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग किया है, आप लोग भी आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई जातिवादी बात है या कुछ भी है। आप इसको संकोच ना करें, हमारे जो भी है उनको जवाब देने के लिए एक से एक बैठे हुए हैं। कोई जातिवादी मांग नहीं है, जातिवादी है तो फिर सारे रेजिमेंट खत्म करो। तो आप इसमें आ गए हैं, अभी जितनी संख्या है इससे अगली बार ज्यादा से ज्यादा संख्या हो। और ये अकेला नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं, ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको आगे ले जाए। केवल एक बंदा इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक बंदा करेगा तो पार्टी का पिछला गुरु बन के करेगा और वो फिर निर्णय नहीं कर पाएगा। आप सभी की भागीदारी रहेगी तो वो अपने निर्णय पर कायम रहेगा। किसी नेता का पिछला गुरु बनेगा तो वो निर्णय नहीं ले पाएगा। तो आप लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है। आपकी ताकत से लड़ेगा तो वो निर्णय लेगा, किसी नेता की ताकत से लड़ेगा तो वो निर्णय नहीं ले पाएगा। तो आप इसको सोचे और इसके लिए आगे आए और तन मन धन जैसे भी हो अपना समर्थन करें। जय हिंद, जय अधिवंश। अब हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव रास बिहारी यादव जी और बिहार प्रभारी है, जिन्होंने निरंतर संघर्ष करके बिहार के अंदर इन्होंने बिल्कुल वार्ड स्तर तक ग्राम स्तर तक संगठन को तैयार किया है यदुवंशी महासभा, और समाज के सभी मुद्दों को पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हर जगह जाने का काम करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत रास बिहारी मंडल जी को। हमारे साथ आप लोग बोलिएगा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, अही रेलवे जिंदाबाद, 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 अही रेलवे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। आज इस सभा का प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव जी, भाई संतोष जी आज भी आए हैं। कोई भी नेता का चेहरा नहीं है, जितने भी इसमें लोग हैं ये तमाम भाई आप भाइयों की तरह काम करते हैं। इसमें कोई अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा किसी भी अपने नौजवान साथियों को ये नहीं कहती है कि आप इस पार्टी में रहिए या उस पार्टी में रहिए। हमारे भाई सही कह रहे थे कि इसमें इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जो भाई अगर काम करता है उसका नाम तो होना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय विजेंद्र यादव जी के कहने पे और अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के टीम की तरफ से आग्रह करने के बाद बिहार के बांका जिले से जो सांसद हैं जयप्रकाश नारायण यादव, उन्होंने 21 मई 2018 को अही रेजिमेंट के लिए जोरदार संसद में मांग उठाया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि तमाम भाई उनके लिए तालियां बजा करके स्वागत करें। बहुत सारी तभी चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, इसलिए और ताली बजाने से फायदा होता है कि सुस्ती दूर हो जाती है। आप लोगों के योग गुरु रामदेव बाबा, रामदेव बाबा ने भी कहते हैं कि कम से कम ताली बजाया करो ताकि 50% जो है 50% लोग दूर भाग जाता है। तो ताली बजाना बहुत ही एक तो वो होता है, ताली बजाने के बाद उनमें फुर्ती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जो है अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पूरे देश में डंका बजा रखी है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो या झारखंड हो। अध्यक्ष से लेकर कटक तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय विजेंद्र यादव जी, मैं अपने बातों से बारू अरे भाई आप लोगों को ही मिलेगा, मेरा शांत रहो बेटे। ये अही रेजिमेंट का जो मुद्दा है
किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। हम लोग हजारों किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ बसे हुए हैं। कोई हरिदेश नगर में है, कोई फरीदाबाद में है, कोई ज्वालाहेड़ी में है, कोई कहीं है। तो हम नहीं चाहेंगे, शायद आप लोग भी नहीं चाहते होंगे कि हमने जितना दूर आकर के और जिस स्थिति में अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, तो आप लोग भी शायद नहीं चाहते होंगे कि जैसे हम लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपके बच्चे भी काम करें, ऐसा कुछ आता है क्या? तो हम लोग के पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने बेटे को IAS IPS या इंजीनियर बनाए, लेकिन कम से कम अपनी कमाई से उसको सेना में अयर रेजिमेंट बना सेना में भेज तो सकते हैं। जो काम हम नहीं कर पाए, जो हमारे काम बाप दादा नहीं कर पाए, उस काम को हम लोगों को करके दिखाना है। और हमारे पीछे बहुत वक्तागण है, समय का अभाव है, मैं बहुत कुछ बताना चाह रहा था आप लोगों से, लेकिन आप लोग तो मैं समय दूंगा अगले मीटिंग में। और मैं आप सभी लोगों से गर्वित प्रार्थना करता हूं कि आप लोग आने वाला 18 नवंबर दिन रविवार 2018 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जंतर मंतर पर यादव सर्वकृष्ण न्यायालय में, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, एक दिन का समय हम लोग आपसे मांग रहे हैं, दिन भी संडे है और यादवों का बहुत बड़ा इतिहास है जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, तो आप लोग कम से कम एक दिन का समय दे करके और तन मन और धन से और अपने साथियों के साथ जंतर मंतर को 18 नवंबर को आने का कष्ट किसी एक कीजिएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और सभी हरिदेश नगर के वासियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रवीण यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की घटनाओं को लेकर के निरंतर संवेदनशील रहे, जितने यादव समाज के फर्जी एनकाउंटर हुए, यादव समाज पर निरंतर अत्याचार हो रहा है, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, निरंतर हमारे समाज पर अत्याचार हुआ, उसको लेकर भाई प्रवीण यादव ने अपने समाज के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी जाने की कोशिश की है और वहां जाकर सम्मेलन आंदोलन करके भाइयों के हौसले बुलंद किए और हक अधिकार की बात की भाई प्रवीण यादव जी। और अही अरेंजमेंट मुद्दे को लेकर के निरंतर लाखों रुपए अपनी जेब से खर्चा करके समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। 18 नवंबर को लाखों की संख्या में पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किस तरीके से लाखों की भीड़ जंतर मंतर पर आए और समाज को मजबूत करने का काम किया जाए। भाई प्रवीण यादव जी, सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस हरियाणा की वीर भूमि बाबा सूरदास तिलपत के चरणों में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और समाज के आए हुए सभी बुद्धिजीवी बुजुर्गों और नौजवान साथियों और समाज के आए हुए युवाओं का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय ध्वंसी महासभा ये एक गैर राजनीतिक संगठन है। हमारे जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जितने भी सदस्यगण बैठे हुए हैं, किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जो किसी नेताओं की क्या पुकारता नहीं करता। आपने हरियाणा के अंदर देखा होगा 23 तारीख से और यहां पर उनके चार साथी बैठे हुए हैं अहिर रेजिमेंट के आंदोलन को लेकर के, लेकिन वो संगठन वो भी करतार में बैठे हुए हमारे नौजवान साथी वो राजनेताओं की भेंट चढ़ गए और वो राजनीतिक संगठन के चपेटे में आ गए। आज वो भूखहड़ताल में बैठे हुए बच्चे राजनीतिक शिकार हो गए और वो आंदोलन आज खत्म हो गया। लेकिन अखिल भारतीय ध्वंसी महासभा एक ऐसा संगठन है जो किसी नेताओं का पिछला दू नहीं है। अगर जरूरत पड़े
तो हम उसके खिलाफ आंदोलन भी कर देते हैं। अगर कोई भी समाजवादी ताकत अगर हमारे नेताओं की खिलाफत करती है तो हम उस समाजवादी का पुरजोर विरोध करते हैं, उसका घेराव करने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा नीतीश कुमार जिस समय मैं लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी से गठबंधन तोड़ा, यही अपनसी महासभा की टीम है जिसने जंतर मंतर पे जाकर के उसके प्रदेश कार्यालय को घेरने का कार्य किया। यही अपनसी महासभा है जो खाने को लेकर के तेज बहादुर को नौकरी से निकाल दिया गया। अगर एक सिपाही खाने की बात करता है, अपने खाने से ऊर्जा की बात करता है कि जब तक खाने पेट में अन्न नहीं होगा तब तक वो सीमा पे लड़ाई कैसे लड़ेगा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि समाजवादी सरकार उसको टर्मिनेट करने का कार्य की। यही अटलजी महासभा की टीम है जंतर मंतर पर एक विशाल रूप में आयोजन किया और सरकार को घेरने का काम किया। नरसिंह यादव रियल रेसलर जो गरीब घर से है, तीन दिन नाडा पे यही अटलजी महासभा की वो टीम है जिन्होंने कार्यरत होकर के नरसिंह को रिया भेजने का काम करी। लेकिन आपको पता होगा कि वो समाजवादी ताकतें थी जिन्होंने नरसिंह को रिया खेलने से वापस किया। इसी हैदराबाद की मुद्दे के लिए ये बंसी महासभा के सक्रिय पदाधिकारी राज्य पर गजेंद्र यादव के नेतृत्व में 9 बार संसद का घेराव किया। ये टीम अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने सम्मान के लिए क्यों घेरने का काम किया? हमें कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिला हुआ है। वीर रहित का जो तमका हमारे कंधे पर लगा हुआ है ये हमारी शहादत और देशभक्ति के लिए मिला हुआ है। और मैं बताना चाहता हूं रक्षा मंत्री का घेराव अहिर रेजिमेंट के लिए, रक्षा मंत्री को घेरा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का घेराव हुआ, पार्कर का घेराव हुआ। इस तरीके से आंदोलन अगर होता तो हम भी किसी राजनीतिक नेताओं के पिछलग्गू बनकर रह जाते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग क्यों चली है। राष्ट्रीय तक विजेंद्र यादव के नेतृत्व में आज 9 साल से यह आंदोलन 15 स्टेटों में हमारे ढाई करोड़ पदाधिकारी हैं 15 स्टेटों में। और अटल जी महासभा के ये सक्रिय पदाधिकारी किसी राजनीति घराने से नहीं है, किसी उद्योगपति से नहीं है, सब एक मीडियम क्लास और गरीब घर से हैं। लेकिन समाज को एक नई दिशा देने के लिए किसी ना किसी को संकल्प लेना पड़ेगा और आहुति देनी पड़ेगी, तभी यह समाज जागेगा और तभी यह समाज का भला होगा। मैं बताना चाहता हूं जिस तरीके से अन्य जातियों की रेजिमेंटें बनी हुई हैं, राजपूत समाज की 3-3 रेजिमेंटें बनी हुई हैं, राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, राजपूत राइफल्स रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, महारेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, कुमाई रेजिमेंट, जाति और धर्म के नाम पर बनाई गई रेजिमेंट है। मैं इस गुरु सरकार से इस तिलपत के दर्द से महसूस करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि यह समाज मानता हूं कि सबने शहादत दी है लेकिन 80% जो योगदान रहा है वो अहिर समाज के बच्चों का रहा हो। अगर इस सरकार को मोदी सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो एक कह रहे थे मोदी जी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों की हालत ठीक नहीं है, लेकिन जब मैं सत्ता में आऊंगा तो इनके लिए विशेष। एक उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से जिले से हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कमला यादव जिला पंचायत सदस्य है, सामंतवादियों ने उनके पति की हत्या कर दी, लेकिन 85%
समाज के लोगों ने उनको उनका साथ दिया, आज वो जिला पंचायत सदस्य हैं। अगर इस देश में किसी वीरांगना नारी को देखना है तो कमला यादव जी से समझ लेनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से अंजुम यादव सुलता उस दिनों लोग कहा थे, फिलहाल मुझे उस मुद्दे पर ना जा करके मुझे है रेजिमेंट की बात करनी चाहिए। सेना में है रेजिमेंट का गठन कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके पहले रमेश यादव, कुंदन यादव, मास्टर जी यादव, अजीत यादव, तमाम यह आंदोलन तभी कामयाब होगा जब हम लोग रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, नेताओं का घर का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, तभी अहिर के कंधे पर अहिर लिखवाने का हम काम कर सकते हैं। कितने भी पोस्ट कार्ड बनवा लो उससे कुछ नहीं होगा जब तक ये यादव समाज रोड पर नहीं आएगा, अपने हित की बात नहीं करेगा, अपने सम्मान की बात नहीं करेगा, अपने वीर यादों की शहादत की बात नहीं करेगा, तब तक इस समाज का कोई भला नहीं हो सकता है। तो मैं बताना चाहता हूं, सेना में है रेजिमेंट की मांग, जो 14 से 17 साल की 30,000 रुपए की पेंशन, किसी कल खाने में अगर वो एक बंदूक लेकर वहां पे अपॉइंटमेंट हो जाता है तो 25-30 हजार की इनकम, कम से कम 50-60 हजार रुपए की इनकम अपने घर बैठे इनकम पैदा कर सकता है। आजकल शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। तो सेना में है रेजिमेंट, मैं भर्ती होकर के सेना में समाज, घर परिवार को एक नई दशा और दिशा मिल सकती है, और उसी से जब हम समर्थवान होंगे तब अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस पीसीएस बनाने का भी काम कर सकते हैं, और जब हमारे पास पूंजी होगी, पैसा होगा तो हम अपने बेटे को। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अभी आपको विस्तृत जानकारी, माननीय राज्य अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी आपके बीच में बैठे हुए हैं, आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, की बात करेगा वही देश पे राज करे। जय श्री कृष्ण। यदुवंशियों को जितने यहाँ पे आए हुए अत्रिगढ़, सभी का मैं चरण छू के अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे जितने यादव लोग आए हुए हैं, मैं यही कहूंगा